भगवान, काश बचपन में मैं अमरूद या आम के पेड़ पर चढ़ी होती। हे माता रानी, संभाल लेना। सही नाम दिया था ना, मिस टीआरपी। इसके पेड़ पे चढ़ते ही ना टीआरपी चढ़ने लगेगी, और कहीं अगर ये गिर गई तो। Come on, Shaurya. You're so cruel, man. तभी कहानी जब हर तरफ होगा पानी। मिस शर्मा, आपका टाइम बीत रहा है। बाकी कंटेस्टेंट्स का हो चुका है, सिवाय आपको छोड़ के। तो जल्दी कीजिए, जितना टाइम आप यहां लगाएंगे ना उतना ही कम टाइम आपको मिलेगा। एक काम क्यों नहीं करते आप खुद ही अंदर चली जाइए अपने इंग्रेडिएंट निकालने के लिए। मुझे तैरना नहीं आता। अच्छा, तो इसका मतलब आप राउंड क्विट कर देंगे, राइट? अरे बताइए ना, बिना इस लास्ट इंग्रेडिएंट के आप अपनी कुकिंग नहीं शुरू कर सकती। बताइए, क्या आप गिव अप कर देंगी? क्या हुआ मेहक शर्मा, आप कुछ बता नहीं रही है? अरे बताइए ना। Somebody मैं फोन पे लगे रहते, हम ना कुछ काम से आए, फेरे पड़वा दूं तेरे इस फोन से। तू ना अपना मुंह बंद कर, अपना दिमाग चला, समझा? चल अभी। वही चलाने की कोशिश कर रहा हूं। तो दिख ही रहा है। हेलो सर, मैडम, आज एंट्री बंद है। क्यों, तुम्हारे रिसॉर्ट में फिल्म स्टार आए हैं क्या? ऐसा ही कुछ है, हमें बताने के लिए मना किया हुआ है। कौन आया है इसलिए आज अंदर जाना मना है। अरे ऐसे कैसे तुम कस्टमर को अंदर आने से मना कर सकते हो? पूरे 3,000 है, कम से कम 2,500 खर्चने वाला हूं अंदर। ले, तू भी रख, ऐश कर, चल अब साइड हो। देखिए सर, मैंने आपको बोला ना आप अंदर नहीं जा सकते। यार ये शौर्य करना जहाँ जाता आम आदमी की एंट्री बैन हो जाती है। नेहल, अब नेहल का गायब हो गई यार। चलो अब बाहर चलो, चलो चलो बाहर चलो। ओ बेबी, अपना फोन काटना।
हाँ एक मिनट। ओ मेरी बात सुन, आज ना अपने फोन को स्विच ऑफ ही कर दे। आज तेरे और मेरे बीच में ना कोई नहीं आना चाहिए, ना तेरा भाई ना तेरा फोन। एक डबल लाज उसे बना के ले आना और बाकी तुम खुद ही पी लेना, समझ गया ना? नहीं चाहिए, थैंक यू। मैम प्लीज ले लीजिए ना। मैम भैया मैंने कहा ना मुझे लगेगा मैं ले लूंगी, मुझे नहीं चाहिए, थैंक यू। बेवकूफों से भरी हुई है दुनिया। एक नंबर के बेवकूफ हो। नौकरी पे किसने रखा तुझे? लड़ी अनपढ़ गवार। इतनी बड़ी ट्रे में एक गिलास जूस रख के लेके आया था तू वहां पे? तुम जैसे इडियट की वजह से ना इंडिया इतना बैकवर्ड है। सर मैंने तो... और निकल यहां से, तेरी शक्ल नहीं देखना चाहता मैं अभी यहां दोबारा। और गलती से भी तेरी शक्ल दोबारा यहां नजर आ गई ना तो मैं शर्मा, क्या बात है आपका हाथ खाली क्यों है? मैंने आप कुछ ले क्यों नहीं रही? पी लीजिए, जूस पी लीजिए, लीजिए। क्या हुआ? आप जूस भी अपने हाथ का बना हुआ पियेंगे? अब बोलिए तो मैं कुछ फल और जूसर मंगवा देता हूँ। पर ये कुछ जूस अजीब सा टेस्ट नहीं कर रहा? ओ, अपने सुपर कुक महक शर्मा, अभी मेरे डिजाइन्ड मेन्यू में कमियां निकाल रही है। आपको क्या लगता है ये जूस क्या सड़े हुए फलों से बना हुआ है? आप मुझे हर बात पे गलत क्यों समझते हैं? मुझे जो लगा मैंने बोल दिया। गवार, फूल, आप बताता हूँ बेटा तुझे, दारू नहीं पीता ना तू, अब देख। अब आया सॉफ्ट ड्रिंक का स्वाद और हार्ड ड्रिंक का असर। तेरी हिम्मत कैसी हुई है वापस आने की? तुझे ऐसा निकलने को बोला था ना मैंने? सॉरी सर, मुझ जैसे अनपढ़ गवार चाहिल की वजह से आपका मूड खराब हुआ सर। प्लीज सर, मैं बाल बच्चेदार आदमी हूँ सर, माफ कर दीजिए सर। सर मैं आपके लिए एक बहुत अच्छा ड्रिंक बनाता हूँ सर, प्लीज सर।
हाय शौर्य, मैं आपको शौर्य बुला सकती हूँ ना? ऑफ कोर्स, यहाँ मैं आपका जज नहीं हूँ, एंड इट विल बी बेटर दैट आप मुझे आपकी जगह तुम बुलाइए। ऑलराइट। अच्छा तुम डांस करते हो? नॉट रियली। कम ऑन शौर्य, इट्स योर पार्टी, लेट्स डांस। हेलो विनर, आज के राउंड की विनर, एक डांस तो बनता है। राजीव सर, मेरा ना सर घूम रहा है। ओके, डांस फ्लोर पे सर घूमता ही है। कम ऑन, लेट्स डांस। आई वॉज राइट, पहले चटनी गिराकर शो पर पास आई, उसके बाद उस दिन घर आ गई बिना बुलाए डांस करने, और अब देखो सीधा गोद में ही चढ़ गई। और वैसे भी शौर्य से और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जहां मौका मिला वहां मुंह मार लिया। आफ्टर ऑल जैसा बाप वैसा बेटा। ब्लडी चीपोस, क्या मतलब है तेरा? अपनी औकात में रह, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर टिप्पणी करने की? क्यों जीजा जी, सच्चाई सुनकर बुरा लग गया? और दीदी आप संभालो अपने शौर्य को, वरना पुरानी दिल्ली के किसी गली मोहल्ले में खन्ना खानदान का एक और। भूल जा ये सब नॉनसेंस, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरी सलज है। रियली? यस। अच्छा प्लीज शट अप। कांता, हम लोग आगरा जा रहे हैं, ये टीवी वाले हर बात को बड़ा चढ़ा के खबर बना देते, सब बकवास है, मैं नहीं मानता। एक बात कान खोल के सुन लो, अगर इस न्यूज में जरा भी सच्चाई हुई ना, आज के बाद महक इस घर में कदम नहीं रखेगी, देख लेना। बोलो। दिल चाहे साफ हो या ना हो, सुबह उठकर इंसान को साफ जरूर हो लेना चाहिए। तुम्हारी पुरानी दिल्ली में कपड़े बदलना, सुबह उठ के ब्रश करना, नहाना धोना, ये सब होता ही नहीं होता, या ऐसे ही गंद लपेट के घूमते रहते हो तुम लोग पूरा दिन? देखो बकवास मत करो, जो पूछ रहे हो उसका जवाब दो। तुम अपने आप को कुक समझती हो ना, इतना भी नहीं जानती कि फ्रूट जूस फलों को निचोड़ने से बनता है। देखो मुझे पता तुमने मेरे जूस में शराब मिलाई थी, नहीं तो मैं ऐसे आउट नहीं होती। हेलो, हाँ मां, What the hell? चुपचाप जो मैंने पूछा उसका जवाब दो। मेरे जूस में शराब मिला के मुझे नशे मिला रहा, उसके बाद रूम में ऐसे ड्रॉप करने के बाद मेरा फायदा उठाना। बोलो। 120 किलो का छोटा मोटा हाथी हो तुम। कल फ्लोर पे नागिन डांस करते हुए लौट गई थी। अरे तुम्हें उठाने तो क्या, कोई हाथ लगाने तक नहीं आया था। थैंक्स करो मेरा, तुम्हें उठा के तुम्हारे रूम तक पटक के आया। अच्छा तो मेरे रूम से अपने रूम में क्यों नहीं गए फिर? मेरे रूम में मेरे बिस्तर पे क्यों सोए? ओह, तुम्हारा रूम कब से? कॉन्टेस्ट मेरा, तुम्हें यह मैं लेके आया, होटल मैंने बुक कराया, और तुम्हारा रूम, वाह। सुनो भैया के कॉन्टेस्टेंट हूँ, तुमने रूम बुक कराया है, मुझे खरीदा नहीं है। अपने मुझे को बोलो, मुझे सच सच बोलो, ये सब तुमने प्लान किया था ना? मुझे सच सच बताओ तुमने क्या किया मेरे साथ? देखो महक शर्मा, मेरा दिमाग खराब मत करो, बहुत काम मेरे को भी बाकी है, बेहतर रहेगा अपने कॉन्टेस्ट पे जाके ध्यान दो। Let's go to hell. तुम बिना बताए कहीं नहीं जा सकते, मुझे सच सच बताओ तुमने क्या क्या किया है? तुम्हें जवाब देना ही पड़ेगा, बोलो क्या किया? जानना चाहती कि कल रात ऐसा क्या हुआ? सब कुछ किया मैंने तुम्हारे साथ, जो एक लड़का एक लड़की के साथ बंद कमरे में करता है, एक बिस्तर पर। महक शर्मा, तुम अब वजह नहीं रहे।
मिलोगे। क्या कर रही हो? पागल हो गई हो? आपकी नस काटना चाहती हो? पागल तो तुम हो गए हो, सब्जी काट रही हो। देखो जाई जी, देखो अपने अखा की पट्टी उतार के देखो, आपकी लड्डू के कामयाबी के किस्से चांदनी चौक की पूरी दीवारों पर चिपके। फक्र से सीना चौड़ा हो गया ना आपका। देखो उसकी कामयाबी, देखो बेटा, पैसे में चाहे हम मजबूत ना हो लेकिन इज्जत बहुत कमाई है। ले देकर यही तो एक पूंजी है तेरे बाप के पास। लेकिन आज आज वो लड़की अरे बाजार तेरे बाप की इज्जत का जनाजा निकाल कर चली गई। पापा जी हौसला रखो, सब ठीक हो जाए। बहुत बड़ी गलत फहमी हो गई है, जा रहे ना आगरा। हम मैक से बात करेंगे, मैं बता रहा हूं आपको किसी की साजिश है इसमें, हमारी मैक को बदनाम करने की। क्या बना रहे हो तुम? क्विट चावला जी। यस सर। क्या खिला रही हैं आज आप? सर हैदराबादी बिरयानी विद पाइनएप्पल रायता। अरे वाह क्या बात है। महक, कम से कम एक बार चाहूंगा कि तुम्हारे बिना बताए तुम्हारी डिश गेस कर पाऊं। ये क्या है? सर ये रंग बिरंगी पूड़ियां हैं जिसे मैं चीकू की चटनी के साथ सर्व करूंगी। चीकू की चटनी? कुछ ज्यादा मीठी नहीं हो जाएगी? नहीं सर, एक्चुअली उसमें मैं मिंट और अजवाइन और नमक से उसको करूंगी तो वो उसकी मिठास थोड़ी कम हो जाएगी। Great. And साथ में करेले की सब्जी? नहीं सर, मैं करेले की स्वीट डिश बना रही हूँ। उसे मैंने सोप करके 30 मिनट के लिए रख दिया था और उसके बीजे निकाल दिए थे जिससे कि उसकी सारी कड़वाहट निकल जाए। And उसके बाद? उसके बाद इसको मैं चाशनी में डालूंगी और चॉकलेट सॉस और ड्राई फ्रूट से गार्निश कर दूंगी। वाओ दैट्स ग्रेट, करेले की स्वीट डिश, इट्स अमेजिंग। क्या बात है महक शर्मा, आजकल तुम न्यूज में हो? नहीं, आई मीन बड़े बड़े लोग तुम्हारे बारे में ही बातें कर रहे हैं। जब काम मन से किया जाए तो पूरी दुनिया बात करती है आपके बारे में। तुम हमेशा से यही तो चाहती थी राइट, कि पूरी दुनिया तुम्हारे बारे में बातें करे। और इस शो पे आके तुमने अपनी सारी मिडिल क्लास ख्वाहिशें जो पूरी कर ली है राइट। सिर्फ 60 सेकेंड, एक मिनट है आप लोगों के पास। पास मुझे बहुत कम है, अब बकवास मत करो। Only 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1, stop. तो फ्रेंड्स अब टाइम है रिजल्ट्स का, देखते हैं नेक्स्ट राउंड यानी कि सेमीफाइनल राउंड में कौन कौन जाएगा और कौन जाएगा घर वापस। तो हमारी थर्ड फाइनलिस्ट है मिस्टर अश्मित। Congratulations, Mr. Schmidt.
अब भरसत नेक्स्ट राउंड में जा रहे हैं। नाउ सेकंड सेमी फाइनलिस्ट वो है मिसेस चावला। कंग्रेचुलेशन मिसेस चावला जी। अब मैं फाइनल नाम अनाउंस करने जा रहा हूं। हमारे फर्स्ट सेमी फाइनलिस्ट हैं मिस मेहक। चाची हुआ क्या है? मतलब आई एम सॉरी मैं ऐसे घर से बिना बताए आगे, पर चाची पर हुआ ऐसा कि क्या हुआ? कहा था ना मैंने तुझे कि हम लोग आम लोग हैं। चांदनी चौक की महक शर्मा क्या बन गई है दिल्ली के मोस्ट एलिजिबल बैचलर के दिल की धड़कन? क्या महक शर्मा है शौर्य खन्ना की नई गर्लफ्रेंड? गौर से देखिए इंडिया सुपर कुक की शूटिंग के दौरान इनके बीच की बढ़ती नजदीकियां। देखा बड़ी बड़ी बातें लिखकर आई थी चिट्ठी में इस कॉन्टेस्ट में आने के लिए। किस लिए महक पूरे मोहल्ले में ये पोस्टर लगवा कर हमारी नाक कटवाने के लिए? जिस मोहल्ले में तेरे दादाजी पूरी जिंदगी सीना तान कर चलते रहे उसी मोहल्ले में थूत हो रही है उनके मुंह पे। तुम्हारी मां ने अगर तुम्हें बचपन में एक थप्पड़ लगाया होता तो आज ही काम मुझे नहीं करना पड़ता। जीत की जिद में तुम इतना गिर जाओगे कि मैंने क्या किसी और ने नहीं सोचा होगा। अरे तुम्हें क्या लगता है ये लोग ये सब तुम्हारी इज्जत करते हैं? अरे सब लोग तुमसे डरते हैं। तुम तो इतने खोखले हो कि उस डर को अपनी ताकत समझ के खुश हो जाते। तुम्हारी दुनिया में सिर्फ दो लोग हैं, सिर्फ दो, शौर्य खन्ना और बाकी सब। इसीलिए तुम खुद को और अपने शो को सक्सेस दिलाने के लिए शौर्य खन्ना लोगों के साथ कुछ भी कर सकता है। पागल हो गई क्या बकवास किए जा रही हो? महक तुमने शौर्या पे हाथ कैसे उठाया? तुम ये कॉन्टेस्ट छोड़कर नहीं जा सकती। तुमने इस शो का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, पैसा लगा है शो पे, जब इच्छा हुई कॉन्टेस्ट में आ गए, उन जब चाहे चले गए। मजाक समझ रखा है क्या? मजाक तो मेरा बन गया ऐसा, वो भी सबके सामने। तेरे लिए कॉन्टेस्ट जरूरी है लेकिन अपने सेल्फ रिस्पेक्ट से ज्यादा नहीं। जाती थी लेकिन अपनी फैमिली को नुकसान पहुंचा के कभी नहीं। I'm sorry, sir. I'm sorry. मिडिल क्लास का करारा जवाब। जब आम जनता अबरह सरकार को सबक सिखा सकती है तो शौर्य खन्ना की क्या औकात है? न्यूज में मैं भी आया था तारीफों के लिए, बिजनेस की सक्सेस के लिए, थप्पड़ खाकर तमाशा बनने के लिए नहीं। या दीदी मैं मिसेस मित्तल के यहाँ सलोन लॉन्च पार्टी में जा रही और आरिश और आप लोग नहीं आएंगे? देखिए आ
आज कैसे एक इज्जतदार मिडिल क्लास लड़की ने अपने बेइज्जती करने वाले पैसों के नशे में चूर एक अमीरजादे को दिया करारा जवाब। ओह माय गॉड, बस यही देखना बाकी रह गया था। क्या हुआ, तुम्हें तो पार्टी में जाना है। Now what's the point, huh? आपका दुलारा बेटा will make sure कि हम सोसाइटी में किसी को मुंह दिखाने लायक ना रहे। सबने ये न्यूज़ देख ली होगी और मेरी ज्वेलरी से ज्यादा लोग इस थप्पड़ के बारे में बात करेंगे। अरे कहाँ जा रही हो,